दोस्तों आज का ये वीडियो जो हमने कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर की जो नई सीरीज स्टार्ट करी है उसका ये सेकंड पार्ट है और आज की सेकंड पार्ट के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि हम कॉम्प्यू टैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा नॉर्मल टैक्स पेयर जो सैलरी पर्सन है वो अपनी ITR 1 फाइल करना चाहता है कॉम्प्यू टैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी सैलरी की इनकम को दिखा के, तो हम कॉम्प्यू टैक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा उसकी सैलरी की इनकम को किस प्रकार से फिल करते हैं और हमें किस प्रकार से सारा डाटा प्रिपेयर करना पड़ता है और कौन कौन सा डाटा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पोर्टल से इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि पार्टी एड किस प्रकार से होती है और हमने जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था उसके अंदर अपनी कॉम्प्यू ओपी सॉफ्टवेयर की कुछ बेसिक बातों पे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कॉम्प्यू ओपी सॉफ्टवेयर के बारे में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता क्या है और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हमें कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़े, चाहे किसी भी टाइप की इनकम टैक्स की रिटर्न है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, चाहे किसी बिजनेस की है, तो हमें कॉम्प्यूटर टैक्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने एक नॉर्मल यानी कि सैलरी पर्सन की इनकम टैक्स की रिटर्न को फिलअप करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्यू टैक्स सॉफ्टवेयर पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो भी आपकी पार्टी, जो भी आपके क्लाइंट ऐड होंगे उसके नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उसको आप नेम के थ्रू, कोड के थ्रू, फादर्स नेम या पैन नंबर के थ्रू भी आप इनको सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने एक बार ऐड करते हैं सैलरी पर्सन, जैसे अपने ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको उसका जो स्टेटस है वो बताना पड़ेगा कि आप जो इनकम टैक्स का जो पार्टी ऐड कर रहे हो उसका स्टेटस क्या है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो इंडिविजुअल होगा और इंडिविजुअल होने के बाद सबसे पहले कोड, ये कोड क्या होता है इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया क्लाइंट मेरा ऐड करता हूँ, उसका मैंने कोड यहाँ पर दे दिया, नाम मैंने दे दिया यहाँ पे सुमित और लास्ट नेम दे दिया, ये मेरा एज पर पैन नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में फादर्स नेम और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें मैंडेटरी है ए पार्टी को ऐड करते वक्त। उसके बाद में जो आपका आधार का इनपुट्स है, आधार नंबर वगैरह, ठीक है, आधार नंबर का ऐड जो आपका आधार पे नंबर के है और जो मोबाइल लिंक विद UIN के आधार नंबर के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। उसके बाद में आपका जो जेंडर मेल या फीमेल वो आपको सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पैन नंबर, ये कंपलसरी है पैन नंबर आपको देना, हालांकि मैं ये पैन नंबर यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से, क्योंकि पेन नंबर लिखने से क्या होता है कि जो हमारा YouTube की जो पॉलिसी होती है उसको हम वॉयलेट करते हैं, तो ये कुछ सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं एक बार यहाँ पे कुछ डेमो के रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हालांकि मेरे को एरर देगा कि आपका पेन नंबर गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद में अगर आपकी कोई बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है तो आप बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ दे सकते हो, अगर आप सैलरी पर्सन कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हमें देनी नहीं होगी। और उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर का जो स्टेटस है उसको हम कॉपी कर लेंगे, नेम और फादर्स नेम, जैसे हमने इसको कॉपी किया तो यहाँ पर हमने जो नेम और फादर्स नेम दिया था उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कॉपी पेस्ट कर देगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट की डिटेल हमें देनी होती है, इनवैलिडिटी पेन बताएगा, तो मैं इसको पेन नंबर को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको बतानी है, जैसे हम एक बार इसका नाम लिखोगे, उसके बाद आपका इसका जो रिग्निशन है, अकाउंटेंट है, क्या चीज़ है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर इसको बतानी पड़ेगी, ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ से स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अब एड्रेस आपका टाइप क्या है, बिजनेस एड्रेस है, कोई गोडाउन है, होम का है, अदर एड्रेस है, क्या चीज़ है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप इसको ब्लैंक करोगे और इसको आप एग्जिट करोगे तो आपसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा, अगर आपने एक यहाँ से सेलेक्ट करा तो उसके बाद में जो स्टार लगे हुए ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना कंपलसरी है, हालांकि ये फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन उन्होंने पार्टी को ऐड कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। एडिट किया उसके बाद में बैंक की डिटेल, क्योंकि अगर आपका ITR है कोई रिफंड वगैरह आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी, तो ऐड न्यू करके आप यहाँ पर बैंक को ऐड कर सकते हो। एग्जिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर भी मैंने इसको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने एग्जिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरी पार्टी थी वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद अब इसको मेरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ओपन करना पड़ेगा, मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर कुछ मेरे को मैसेज देगा भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल, फ़ोन नंबर नॉट अवेलेबल, इसका आप इस डिटेल देना चाहते हो तो आप इसको यस कर दो, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप इसको कैंसिल पर क्लिक कर दो, तो मैंने कैंसिल पर क्लिक कर दिया।
तो उसके बाद में जो आपने पेन नंबर दिया था कोड के साथ में, तो वो पेन नंबर आपका यहाँ दिखेगा। उसके बाद आपका जो असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर के आप ITR फाइल कर रहे हो, और यहाँ पर आप देख रखे हो भी न्यू प्रोविजन, ये बाय डिफॉल्ट आपका न्यू प्रोविजन में जाएगा भी, न्यू रिज्यूम के अंदर आपके ITR जो फाइल होगी। अगर आप इस रिज्यूम, आप इसका रिज्यूम आप चेंज करना चाहते हो, भी आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन हमें सैलरी की इन्फॉर्मेशन देने से पहले कुछ बेसिक बातें होती है जो हमें सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ेगी। जैसे आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे कौन सा यूज़र आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टी फॉर्म पे जाके क्लिक करेंगे रिटर्न फॉर्म पर। तो जैसे अपने रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे तो आपको जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है तो वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यूज़र आईडी आपका ज़्यादातर पैन नंबर होगा, तो जैसे हमने पार्टी ऐड करी थी और वहाँ पर हमने जो पैन नंबर दिया था, तो वो पैन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद में जो आपका पासवर्ड है, उस पासवर्ड को आप इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पासवर्ड है जो बता सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, अभी आपका जो पैन नंबर, जो आपका डाटा है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे एरर दे रहे हैं, अभी आधार नंबर नॉट फिट इन दिस सॉफ्टवेयर, में हमने सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिया नहीं था। और यहाँ पर जो हमारा सेज यानी कि जो ITR1 है उसके ऊपर क्लिक है, तो जैसे हमने डाटा फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न अपने आप एकदम तैयार कर देगा। उसके बाद वापस से आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आपको एग्जिट नहीं करना, यहाँ से अपने चलेंगे बैक पर, बैक पे जाएंगे और उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर अपने क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो जो बेसिक बातें हमने पार्टी ऐड करते वक्त हमने जो दी थी वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। एड्रेस हमने दिया नहीं था तो एड्रेस अभी ये ब्लैंक आ रहा है। और उसके बाद में जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, कि ओल्ड रिजीम में जा रहे हो या न्यू। बाई डिफॉल्ट तो न्यू में जा ही दे रहे हो, तो आप ओल्ड में भी यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप ओल्ड में जा रहे हो। तो जैसे ओल्ड में जाओगे तो यहाँ पे एक बार आपको मैसेज देगा ये पॉपअप के थ्रू कि प्लीज़ फॉर्म 10IE, यानी कि अगर आप न्यू से ओल्ड में जा रहे हो तो आपको 10IE फॉर्म कंपलसरी है ये। लेकिन ये बिजनेस के लिए, अगर ITR1 या ITR2 फाइल करते हो तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने पार्टी ऐड करी थी उसी वक्त जो दे दी थी, वो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा देगा। अभी आपकी जो बिजनेस है वो टैक्स ऑडिट है, अदर ऑडिट है या अनऑडिटेड है, तो आपने अनऑडिटेड पे सेलेक्ट कर लिया। भी अगर आप 44AD के थ्रू ऑडिट है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो 44AD के अंदर ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जुलाई वाली है या अक्टूबर वाली है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख के यहाँ पर डाल सकते हो। तो वापस यहाँ से अपने इसको एग्जिट करेंगे और बेसिक इन ये डिटेल आपको यहाँ पे वार्निंग देगा भी, पैन नंबर एसएससी नोट फीड आ रहा है, एड्रेस आपने सेलेक्ट किया, बैंक की डिटेल आपने नहीं दी, ठीक है ना, जो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है वो आपने फाइल नहीं लिखी वहाँ पे, तो ये साइन पर्सन है, उसका पैन नंबर है वो इनवैलिड है या आपने गलत है, तो सारी ये मैसेज आपको देता रहेगा क्योंकि हमने एक बार इनकी इन्फॉर्मेशन को डाली नहीं थी सिक्योरिटी पर्पज से। अब ये कुछ करने के बाद में उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है भी हमारा ऑनलाइन जो रिकॉर्ड होता है, जैसे सभी CS है, TIS है, AIS है, या हमने जो कोई एडवांस टैक्स भरा है उसकी डिटेल, उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जेड के रूप में प्रीपेड टैक्स, ठीक है, हमें इस प्रीपेड टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इम्पोर्ट डाटा का आएगा, इसमें आपको फॉर्म 26S आप इसको व्यू भी कर सकते हो, AIS TIS रिपोर्ट है, आपका चलान है, ये अगर आप टिक है तो जैसे अपने इस इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इंपोर्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, इसका सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा भी आप ना कितना आपका TDS कटा हुआ है, कितना आपने चलान डिपॉजिट करा हुआ है, TIS के अंदर जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है भी कितना आपको सेविंग्स से इंटरेस्ट मिला हुआ है, कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, कितने आपको इनकम आ रही है, तो वो AIS TIS के थ्रू ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो इंपोर्ट कर लेगा, आपको मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब कुछ मैनुअली लिखना चाहते हो तो आप मैनुअली भी लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपका जो चलान की डिटेल है, एडवांस टैक्स है या आपका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने डिपॉजिट करा है, तो उसका BSR कोड, बैंक का नेम, डेट, चलान का नंबर, या आप मैनुअली भी फीड कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो ये पोर्टल से आपको इंपोर्ट करके दे देगा। तो उसके बाद में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक सब कुछ फिलअप हो जाएगी पोर्टल के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद वापस अपने इसको एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद में आप सबसे पहले अपने को सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने को बतानी है भी, हमारी टोटल सैलरी इनकम का जो हेड है हमारा, आपने क्या करेंगे, ये सैलरी का ऑप्शन आ रही है, ये सारे आपके हेड आ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है, बिजनेस से इनकम कितनी है, आपकी प्रैक्टिकल बिजनेस से इनकम कितनी आ रही है, 44AD के थ्रू आप कितनी दे रहे हो, कैपिटल गेन कितना है, अदर इनकम कितनी है। और उसके बाद में कुछ हमारी डिडक्शंस आ जाती है, BATC की आपकी डिडक्शन कितनी है, नोट्स कितने हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह,
तो ये आ जाएगी। सबसे पहले अब मेन मुद्दा अपना है सैलरी की, अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अपने जैसे सैलरी वाले हेड पे क्लिक किया तो यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर नाम आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि इनकम की आपके जो सैलरी से इनकम आ रही है उसकी डिटेल। और उसके बाद में सभी पहले यहाँ पर जो स्टार लिखा भी ऑल फील्ड आर मैंडेटरी है, ठीक है, ई रिटर्न के पर्पज से। जैसा मान लीजिए अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है, कोई मतलब गवर्नमेंट है या कोई नॉन गवर्नमेंट है, तो वो उस एम्प्लॉयर का शॉर्ट नेम आप यहाँ पे मैनुअली एक बार लिख सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में जो नेम ऑफ एम्प्लॉयर है जिन्होंने टीडीएस कटा था, वो उनका नाम क्या रजिस्टर्ड है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर है आपका उसका स्टेटस क्या, वो गवर्नमेंट है या वो अदर है या पीएसयू है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स की एड्रेस की डिटेल, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने खाली एक बार नाम दे दिया जिसके आगे स्टार्स लगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में टेन ऑफ एम्प्लॉयर मैंडेटरी है टीडीएस डिडक्ट, अगर आपने कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ तो उसका 10 नंबर लिखना ज़रूरी है। अगर आप 10 नंबर नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारी इनकम की डिटेल सारी भी, आपकी बेसिक पे कितनी है, आपका डीए कितना है, कमीशन कितना है, आपका को टीए कितना मिला हुआ है, उसके बाद अदर जितने भी आपकी इनकम आपको आई है वो आपको याद देनी है। जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक पे आपकी कितनी है सैलरी, ठीक है, तो इसके बाद जैसे अपने मान लीजिए मेरी सैलरी में यहाँ पे देता हूँ 6 लाख रुपये की, ठीक है, तो जैसे मैं 6 लाख पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी 6 लाख की इनकम आ जाएगी। और उसके बाद में वापस मैं वहाँ पे इसको एग्जिट करता हूँ, तो जैसे मैंने एक बार एग्जिट किया तो ये जो हमने डाटा मिसिंग था उसकी डिटेल दिखाता रहेगा। तो आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देखोगे मेरी इनकम है जो 5,50,000 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसने यहाँ पे लेस कर दी 6 लाख में से, तो 5,50,000 रुपये की मेरी इनकम दिखा दी। और इसके साथ साथ इसने यहाँ पे ये भी दिखा दी टोटल ग्रोस इनकम आपकी ये है, टोटल इनकम ये आ गई, और यहाँ पर आपका जो टैक्स बन गया वो 23,400 रुपये का, और इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट है कोई लेट फीस है, तो टोटल टैक्स पेबल आपका 25,515 रुपये का सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेशन कर। ये किस प्रकार से कैलकुलेशन हुए इसके भी आप अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर आपकी कोई डिडक्शन है ATC की तो अपने इस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में आपको टोटल यहाँ पे डिटेल बता देगा आपका इंश्योरेंस है, PF है, म्यूचुअल फंड है, कितना है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब मान लीजिए हमने कह दिया हमारा इंश्योरेंस है 1,00,000 रुपये का, ठीक है, 1,50,000 तक जो हमारी छूट है हमने 1,00,000 रुपये तक यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद और भी है तो आप यहाँ से इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, लिख के मैंने वापस इसको एग्जिट कर दिया। और एग्जिट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर मेरी डिडक्शन आ गई, टोटल इनकम मेरी 4,50,000 होगी, तो अब मेरा टैक्स इसने 0 दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो अदर एग्जम्प्ट इनकम वगैरह वो भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जैसे हमारा इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया, सेविंग हमारा अकाउंट का जो हमारा इंटरेस्ट हमें मिला है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये जैसी बात है भी कोई भी एम्प्लॉयर होता है उसका बैंक अकाउंट होगा तो सेविंग का इंटरेस्ट भी होगा, तो ये जो हमारी एग्जम्प्ट इनकम है यहाँ पे दिखाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पहले वाली हमने डाली थी इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी से आपकी इनकम कितनी आ रही है, और यहाँ हम डाल रहे हैं अदर इनकम, तो वो अदर इनकम भी हमें जैसे मान लीजिए हमारा सेविंग का इंटरेस्ट है वो हमें 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला है तो हमने 500 रुपये डाल दिया, FDR से कितना मिला है, कोई म्यूचुअल फंड से कितना है, तो वो सारी हमारी अदर इनकम की डिटेल है। और उसके बाद में अदर इनकम की जो हमारी डिटेल्स है वो यहाँ पर अपने लिख भी सकते हैं भी आपकी जैसे कोई डेप्रिसिएशन है, कोई डिविडेंड आइटम है, कोई इंटरेस्ट है, कोई रेंट रिसीव हुआ है तो वो कितना हुआ है, वो भी आप अदर पे भी एड अपने कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ के और एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो अब अपनी जो छूट है वो 1,500 रुपये की, क्योंकि 1,00,000 रुपये हमने इंश्योरेंस वाला डाला था और 500 रुपये हमारा जो सेविंग का था वो भी हमारा लेस होगा। अब अपने मान लीजिए यहाँ से कुछ कम करते हैं, आप एडिट भी कर सकते हो इसके अंदर, मैंने मेरे इंश्योरेंस दिखा दिया 40,000 रुपये का, और इसको एग्जिट करके देखते हैं तो जैसे मैंने 40,000 रुपये एग्जिट किया इसका इंश्योरेंस, तो अब मेरा टैक्स कुछ घट के 16,436 रुपये हो गया। अब इसका हमें कॉम्पिटिशन चेक करना है ये टैक्स कैलकुलेशन किस प्रकार से हुई है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले के ऑप्शन के अंदर ये कॉम्पिटिशन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये जनरेट हो रहा है कॉम्पिटिशन, और ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर ही ओपन हो जाएगा। आपके पास PDF के अंदर भी हो सकता है, वर्ड के अंदर भी हो सकता है। और ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टार्टिंग के अंदर जब हमने पार्टी ऐड करते वक्त हमने दी थी वो डिटेल आपकी आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईयर एंड 31/3/24 तक की आ रही है, असेसमेंट ईयर 24/25 की हम फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने जो इनकम की डिटेल डाली थी, सैलरी डाली थी हमने 6 लाख रुपये की,
और यह हमारा जो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का जो मिलता है एम्प्लॉयर को, वो 50,000 रुपये माइनस हो गया। तो यहाँ पर अब हमारी जो ग्रोस इनकम रहेगी 5,50,000 रुपये की। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 5,50,000 रुपये आ गए, ठीक है। और उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने डाला था भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 500 रुपये का, तो अब यह इनकम हमारी कितनी रहेगी, 5,500 रुपये होगी। और उसके बाद में जो हमें डिडक्शन डाली थी ATC की, इंश्योरेंस के LIP की, 40,000 रुपये डाली थी। और उसके बाद में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का था वो हमारा ATTDA के अगेंस्ट के अंदर, वो भी हमें डिडक्शन वापस मिल जाएगी। तो अब हमारी जो टोटल इनकम है वो 5,10,000 रुपये की, क्योंकि टोटल इनकम कितनी थी, 5,50,500 रुपये की, 40,500 रुपये इसके अंदर हमारे लेस हो जाएंगे। तो 5,10,000 रुपये की हमारी टोटल इनकम रह जाएगी। अब उसके बाद में जितना आपके टैक्स है वो टैक्स बन गया आपका 14,500 रुपये का, और इसके ऊपर 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC वो लग गया 580 रुपये का। तो टोटल टैक्स आपका बन गया 15,080 रुपये का, और ये आपका इंटरेस्ट 234 रुपये का, 1,356 रुपये का। और यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स बन गया राउंड फिगर के अंदर, जैसे 16,436 रुपये का टैक्स था आपका, और ये 16,440 रुपये के अंदर आपका राउंड फिगर के अंदर नेट पेबल आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन वो आ गया कि आपका 600 रुपये तो आपका 4 महीनों का ब्याज लगे, और उसके बाद के अंदर आपका 756 रुपये का ब्याज लगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप टू जुलाई 2024, ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक की है। और उसके बाद में ये हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी किस प्रकार से, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है अप टू जून अप टू सितंबर, उस हिसाब से आपके ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपकी निकल के आई है 756 रुपये की, किस अकॉर्डिंग और कितने कितने ड्यू डेट उसके हिसाब से इंटरेस्ट का आपका ना, यहाँ पर जो परसेंटेज है, ड्यू डेट है, अमाउंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट है जो लगता है, ठीक है। उसके हिसाब से ये टोटल इनकम हमारी, और यहाँ पर ये टोटल चलान इसने बना के दे दिया, 16,440 रुपये का आपका चलान बनता है, यानी कि इतना टैक्स आपका पेबल आ रहा है। तो वापस अपने इसको यहाँ से कट करेंगे और सॉफ्टवेयर पे वापस चलेंगे। अब जैसे अपने मान लीजिए इसका टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह अपने फाइल कर दी, तो उसके बाद में हमारा ऑप्शन कहाँ जाना होता है, जैसे ये ऑप्शन आ गया रिटर्न फॉर्म, ठीक है। अब रिटर्न फॉर्म पर अपने क्लिक करते हैं, तो रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में आपका ITR बन रहा है, और उसके बाद के अंदर आपको सारी डिटेल अगर आपने कर दी, अब मान लीजिए आपने फॉर्म 26 से इंपोर्ट किया तो उसकी डेट भी आपको दिखाई देगा कि किस दिन किस कितने तारीख को आपने अपना 26 TIS और AIS आपने डाउनलोड किया, तो वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी वो डेट है जो दिखाई देगी, भी इम्पोर्ट डाटा है वो आपने AIS कौन सी तारीख को डाउनलोड किया था और TIS आपने किस तारीख को डाउनलोड यानी कि इम्पोर्ट आपने किया था। तो अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने इम्पोर्ट इसको किया ही नहीं है। तो वापस अपने इस रिटर्न फॉर्म पे चलेंगे, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमने ओके कर दी तो उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है रिटर्न सबमिट का। तो ये हम रिटर्न सबमिट करेंगे सब कुछ टैक्स वगैरह डिपॉजिट करने के बाद में। अब मान लीजिए अगर आपने कोई टैक्स वगैरह ऑलरेडी डिपॉजिट आपने करवा दिए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जेट प्रीपेड टैक्स के अंदर अपने दे देते हैं। उसके बाद में जैसे मान लिया आपने टैक्स जमा करा दिया तो वो टैक्स की डिटेल आप यहाँ पर भी दे सकते हो, लिखना पड़ेगा भी आपने टैक्स किस तारीख को जमा कराया, कितने रुपये का अमाउंट आपने जमा कराया, तो वो सारी डिटेल देने के बाद में फॉर्म पर जाएंगे और रिटर्न सबमिट पर क्लिक करेंगे। हालांकि ये डाटा सब कुछ आपका रिटर्न सबमिट तभी करेगा जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सही तरीके से इसके अंदर बता दियो। तो उसके बाद हालांकि ये हमें वार्निंग देख रहा है भी डिटेल पेबल अनमेच्ड वगैरह आ रहा है, रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड एज पर सेटअप ऑफ कंप्यूटर टैक्स, यानी कि हमने प्रॉपर डाटा अभी तक इसके अंदर बताया नहीं है, उसकी वजह से ये एरर देगा। जब तक डाटा ओके हो जाएगा तब ये रिटर्न हमारी ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। और उसके बाद में रिटर्न फाइल करने के बाद में जो हमारा ITR की रिसिप्ट सॉरी कंप्यूटेशन है वो क्लाइंट के मेल ID के ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा, और वो मेल ID आपको यहाँ पर भी दिखेगी, क्योंकि अभी ये दिख किसे नहीं ले रही क्योंकि हमने जो क्लाइंट ऐड किया था वो वहाँ पर हमने क्लाइंट ऐड किया था उस वक्त हमने वहाँ पर उसकी मेल ID नहीं लिखी थी, उसकी वजह से यहाँ पे अभी ये ब्लैंक आ रहा है। अगर अपने लिख देंगे वापस एडिट करके उसको तो ये ईमेल ID हमें यहाँ पे दिखेगा, और ये डायरेक्टली रिटर्न सबमिट होने के बाद में क्लाइंट के मेल ID पे कॉम्पिटेशन और ITR की जो रिसिप्ट है वो उसके मेल ID पे पहुँच जाएगी। तो अपने वापस इसको यहाँ से बैक होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ सैलरी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें यहाँ पर देनी पड़ती है।
जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपने और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस से भी अगर कोई इनकम आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर हम ITR है जो किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, क्योंकि अगर सारी बातें अपने एक ही वीडियो के अंदर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो आप लोगों को भी परेशानी होती है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि अपन जैसे भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसके अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और आज का इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।